है आंवला नोमी का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, आंवले का वृक्ष। कथा सुनी होगी आप लोगों ने आज आंवले वृक्ष की। अगर आंवला नोमी पर एक चीज का स्मरण जरूर रखना, आंवले के वृक्ष के नीचे भले जाओ, आंवले के वृक्ष की पूजन भले करो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आंवला नवमी का दिन हो चाहे कार्तिक महीने का पूरा मास हो, कार्तिक का महीना हो, पर आंवले के वृक्ष की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। कई कई लोग बहुत गलती करते हैं, आंवले की पूजन करने जाते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि अब आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने का बड़ा महत्व है कि आंवला नवमी के दिन भोजन करना चाहिए। तो कई कई माताएं इतनी चतुर होती है, आंवले की पत्ती तोड़ के ले जाती, सिर पर रख के भोजन कर लेती। कर रहे थे क्या? बस तो फिर अब कथा मतलब धीरे धीरे समझ में आ रही हो। श्री शिवाय नमस्ते में मतलब शास्त्र कहता है कि अगर एक पत्ती टूटना, पहले लोग बड़ी गलतियां करते थे। आंवला के पूजन करने गए, आंवले के वृक्ष की पत्ती तोड़ ली, सिर पे रख ली, भोजन कर लिया, कितना दोष है महाराज। यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण कहती है, गर्ग संहिता में यहाँ तक वर्णन करा गया है, गर्ग पुराण में भी कहा गया है कि आंवले के वृक्ष की जिस दिन पूजन करें, आंवला अगर ऊपर से नीचे गिर जाए, आपको प्राप्त हो जाए, तो भले उसका सेवन करो, भले उसको रख लो, पर आप आंवले नवमी के दिन आंवले को भी नहीं तोड़ना चाहिए। आंवला नवमी के दिन आंवले को भी नहीं तोड़ना चाहिए। यहां तक शास्त्र वर्णन करता है कि राजा एक वैश्य बड़ा धर्मात्मा, बड़ा धर्मात्मा। आप लोगों ने कथा सुनी होगी, कितना कितना हो धर्मात्मा राजा। बस उसका एक नियम था, वो प्रतिदिन एक सोने के आंवले का दान देता था। प्रतिदिन आंवले का दान करना, रोज सोने के आंवले का दान करना। उसके बहु बेटा को प्राप्त हुआ कि अगर ये प्रतिदिन आंवले का दान करना, रोज सोने के आंवले का दान करना। उसके बहु बेटा को प्राप्त हुआ कि अगर ये पिताजी इसी तरह से सवा सवा मन सोना आंवला बनाकर लुटाते रहेंगे, तो हमारे पास तो एक दिन ऐसा स्थिति आ जाएगी कि हमको भीख मांगना पड़ेगा, हमको भीख मांगना पड़ेगा। अच्छा, बहू बेटा को ये भान नहीं होता कि जिन माँ बाप ने जोड़ा है, अगर वो लुटा भी दें तो सत्ता तो उन्हीं की है ना, दौलत तो उन्हीं की है, पैसा तो उन्हीं का है, जितना जोड़ा वो माँ बाप ने जोड़ा, अगर वो लुटा भी दें तो ये उनकी मर्जी। पर बहुत कम माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने ऊपर सही मायने में खर्च करते हो। बहुत ध्यान देना मेरा, जोड़ा 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 जोड़ा, आखिरी में छोड़ा, इतना बड़ा फोटो टंगिया, फोटो नीचे तुम ऊपर, हो गया कल्याण, तो उससे ज्यादा और होगा क्या? मत फोटो पे भी प्लास्टिक के फूल की माला, ओरिजिनल भी कोई नहीं चढ़ाता, 10 रुपए की एक आती है, कौन चढ़ाएगा 10 रुपए की माला? तीन 400 रुपए महीना का कौन खर्चा करेगा? एक बार में लिया है, गया जी गए था माँ विष्णु चरण के पास में, बहुत दुकान लगी थी, कहा ये माला उतार के दे साहब, क्योंकि 60 रुपए की चलेगी, प्लास्टिक की, यहाँ प्लास्टिक की है, बस धो लो दिवाली पे फिर टांग दो, फिर धो लो दिवाली पे फिर टांग दो। तुमने कहा पिताजी को यही माला अच्छी रहेगी, हो दादाजी चले गए ना, उनके लिए ये माला जोरदार है, उठाओ धो। हसमती एक एक माला अपने को भी टंगने वाली है, आई हुई तो कल टंगेगी टंगेगी।